सकता है, क्योंकि वो जो शॉट्स हैं, वो जो साउंड्स है, वो आ चुका है। और जोनाथन वो अनुज को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए, बट थोड़ा संभल कर, क्योंकि आसपास बहुत सारे प्लेयर्स रहने वाले, और इसी के साथ शॉट दिया जाएगा जोनाथन की तरफ, और इनको लो भी करा जाएगा। बट जेली भी है इनके साथ, जो कि अनुज को पिक करने की कोशिश करते हुए देखने को मिलेगा। बट देखना रहेगा वो जो नॉक है वो आखिर किसने निकाला था, बट अमर वो कहां रुकने वाले, वो सीधा पुश करेंगे और उनको फिनिश करेंगे। और गॉडलाइक यहां पर अपना पहला फिनिश पॉइंट सिक्योर करते हुए देखने को मिलेगी। बट थोड़ा संभल कर तो रहना पड़ेगा यहाँ पर सी एस को भी, क्योंकि उन्होंने प्रेडिएटर को पहले ही खोया था, और अब अनुज की बारी थी, वो भी फिनिश होते हुए देखने को मिल चुका है। रणदीप और एम्पायर, ये दो प्लेयर्स अपनी टीम से बचते हुए हमें देखने को मिलेंगे। देखते हैं ये भी किस तरह से खुद को बचाने में सफल हो पाते हैं। बट सर्कल यहाँ पर सदन शिफ्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा, और जैसे कि मैंने बोला था, जो पहला सर्कल है वही पर ही सर्कल जाता है, जो मेटा है वो चेंज हुआ है, तो परेशानियां वहां पर टीम को सहनी पड़ेगी। बट अब जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश टीम सुई की तरफ से करी जाएगी, बट इनको पता नहीं गॉडलाइक के साथ आपको फाइट में आना पड़ेगा। एडमिनो इसी बीच एक टॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे, बट ऑस्टिन वो ट्रेड लेंगे और एडमिनो को नॉकआउट करेंगे। एमजे किट प्लेयर रहेगी, सुई वो जेली की तरफ से नॉकआउट कर देंगे। ऑस्टिन वो जेली को स्पॉट आउट करते हुए रिफ्लेक्ट दिखाया जरूर था, बट एमजे ने वापस जेली को कर दिया नॉकआउट। बट अमर का ग्रेनेड आएगा, वो ऑस्टिन को भी नॉकआउट करेगा, और इसी के साथ अमर पुश करेंगे और एमजे को करेंगे फिनिश। और गॉडलाइक यहां से करेगी टीम सुई का एलिमिनेशन। पांच फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के खाते में देखने को मिल चुका है, और अब वो सर्कल के और करीब बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑटोबॉट स्किल्स वो जोन के बाहर है, बट जोन के अंदर गॉडलाइक की एंट्री होगी, और एडमिनो एक बार फिर से वो आगे आएंगे, और एक बढ़िया रॉक इनकी तरफ से देखने को मिलेगा सेल्सियस के प्लेयर की तरफ। बट उनको रिवाइव करना उतना भी मुश्किल नहीं रहेगा, आसानी से वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करा जाएगा। जोनाथन काफी करीब जा चुके हैं, उनको पता है कोई ना कोई प्लेयर पुश करने की कोशिश करेगा, तो उनको रोकने के लिए वो आगे जरूर तैयार बैठे रहेंगे। इसी बीच अमर की तरफ से अल्फा को नॉकआउट करा जाएगा, और कोड रेड उनकी भी इन्फो मिल चुकी है, और जोनाथन को भी कॉल आ चुका है, और वो अब आगे बढ़ते हुए वो फिनिश पॉइंट सिक्योर करने के लिए वापस जाएंगे जरूर। और इसी के साथ साथ गॉडलाइक एक और फिनिश पॉइंट उनके खाते में आता है, वो छह फिनिशेस अब सिक्योर कर चुके हैं। ग्रेनेड आएगा क्योंकि जोनाथन की तरफ आया था, बट उतना खास कनेक्शन देखने को मिलेगा नहीं, और अब वो आगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ चुके हैं। जोनाथन एक और ग्रेनेड के साथ, और सामने सेल्सियस की स्क्वाड रिक्सन की तरफ एक नेट जाएगा, पेका उनको नॉकआउट किया जाएगा। और यहां से जॉनी का जो ग्रेनेड था वो गया तो जरूर था रिक्सन के पास, बट वो कवर में चले गए थे उसके पहले। एक और नेड के इससे फूटेगा कोई नहीं, रिक्सन वो कवर में जाएंगे, और इसी बीच अपने प्लेयर को रिवाइव प्रोवाइड किया जाएगा सेल्सियस के प्लेयर्स की तरफ से। वो कोई मौका देना चाहते नहीं है। चार टीमें 12 प्लेयर्स, और ये जो फाइट है वो मजेदार रहेगी। पुश आएगा जोनाथन डीबीएस के साथ, शॉट्स लेंगे हर्षु पुश करते हुए, एक बढ़िया नॉक देखने को मिलेगा। पिकअप वो मॉली से ही जल जाएंगे, और रिक्सन का भी फिनिश पॉइंट सिक्योर कर जाएगा, ध्रुव को भी स्पॉट आउट करेगा। बट जोनाथन ये ओवर एग्रेशन वो काफी महंगा पड़ सकता था तो जरूर, एंड इसी के साथ साथ वो पूरा घूम कर गया और वहां पर उनको फिनिश करते हुए नजर आए। एडमिनो नॉकआउट हुए थे, उनको रिवाइव कर दिया जाएगा। गॉड लाइक 10 फिनिशेस सिक्योर करते हुए देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर जोनाथन का जो पुश था वो काफी ज्यादा ही खतरनाक था, और सेल्सियस का एलिमिनेशन भी देखने को मिला। यूपी 50 चार फिनिशेस निकाल चुके हैं, टॉप थ्री में जगह बनाते हुए देखने को मिल चुके हैं, एंड उनके साथ साथ यहाँ पर हमें सीएसके भी स्क्वाड देखने को मिलेगा। और ये जो फाइट है वो 3v3v2 का देखने को मिलेगा, और अमर वो पुश करते हुए देखने को मिलेगा। क्या एक नॉक देखने को मिलेगा? नॉक तो जरूर देखने को मिलेगा, बट इनको भी नॉकआउट कर देगा। एडमिनो की स्पीड बहुत लो रहने वाली है, वो भी सपोर्ट के लिए आएंगे, और जोनाथन वो शायद आगे पुश कर चुके हैं, और ये एक बड़ी गलती हो सकती है। इनको अपने टीम के साथ पुश करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलेगी सीएसके स्क्वाड। बट एडमिनो वो वेनम को भी पिक करेंगे, और वहां पर केएसआर उनको भी नॉकआउट करा जाएगा, और अब ये जो फाइट है वो और भी अलग रूप लेते हुए देखने को मिल रही है। और शायद इन्होंने स्पॉट आउट कर लिया है कि यहाँ पर एक और टीम रहने वाले सीएसके एम्पायर, उनको एडमिनो नॉकआउट करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहां से अब ये जो फाइट है वो गॉडलाइक के फेवर में आते हुए देखने को मिल रहे, बट केएसआर शायद उनको रिवाइव करा जाएगा। कि यहां पर पुश करने का कोई भी डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि गॉडलाइक के पास दो ही प्लेयर्स रहेंगे, और ये फाइट अभी भी 2v2v2 का देखने को मिलेगा अगर अपने प्लेयर को रिवाइव करने में सफल हो जाते हैं। और वो जो फाइनल डिसीजन है वो किसका रहेगा पुश करने का, क्योंकि यहां पर जहां तक मुझे लगता है अंत में कोई और फायदा उठाने वाला है। और जैसे ही अगर सीएस की स्क्वाड ऊपर से आएगी वो भी यहाँ पर गॉडलाइक को दिक्कतों में डाल सकते हैं। बट इसी बीच केएसआर वो नॉकआउट कर जाएंगे एडमिनो की तरफ से। एडमिनो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, 12 फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के खाते में। काना एक ग्रेनेड के साथ है, अगर वो आएगा तो गॉडलाइक के दोनों प्लेयर्स को दिक्कतों में डाल सकता है। ग्रेनेड थ्रो तो जरूर करेगा, बट उसका कोई फायदा नहीं। एम्पायर वो ऊपर से कूदेंगे, बट उनको नॉकआउट कर जाएगा। वो फिनिश पॉइंट सिक्योर करते हुए देखने को मिलेंगे जरूर काना, बट उसके पहले उनको भी फिनिश कर जाएगा। और रणदीप वो भी पुश करते हुए, बट उनको जोनाथन की तरफ से फिनिश कर जाएगा। और इस मुकाबले का विनर बना चिकन डिनर।